हाय गाइस गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चावल के आटे से पापड़। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको पापड़ दिखा रही हूँ। बहुत ही पतला और काफ़ी बड़े साइज में मैंने यहाँ पर पापड़ को बनाया हुआ है। ये पापड़ 1 कप जो है ना चावल का आटा आप ले लेते हो तो बहुत सारा पापड़ बन जाता है। मैक्सिमम 100 पापड़ से ज़्यादा ही होगा। आप देख पा रहे हो कि मैंने रखा हुआ है। इस पापड़ को बनाने की जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल सा है, तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक जो है कप ले लीजिए आप यहाँ पर चावल का आटा, और उसके बाद जो है हम चलेंगे पापड़ बनाने के लिए। तो इस पापड़ को बनाते समय कुछ बातों को आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया हुआ है, इसमें हम लोग डालेंगे पानी। तो जिस कप से मैंने चावल कांटा लिया था उसी कप को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप किसी भी कप या बाउल का मेजरमेंट करने के लिए रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 कप पानी डाल दिया है, जो कि आप देख पा रहे हो। अब इस पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं गैस पर। ध्यान रखिए कि पानी गर्म नहीं होना चाहिए। गैस पर रखेंगे हम लोग और उसके बाद तुरंत इसमें डाल देंगे चावल का आटा और मिक्स करेंगे। अगर पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद आप चावल का आटा डालते हैं तो लम्स पड़ जाता है, यानी गुठलियाँ जो है ना वो पड़ जाती हैं, जिससे कि आपका पापड़ अच्छा नहीं बनता है। इसलिए तुरंत पानी में डालिए और मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जो है ना आप देखोगे कि जैसे जैसे पकना स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे चावल का आटा गाढ़ा होता जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए कि लगभग यह 3-4 मिनट में ऐसे होने लगा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पानी जो है कम पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें पानी और ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसी कप से 3 कप पानी फिर से ऐड किया है, यानी मैंने यहाँ पर टोटल 9 कप पानी डाला हुआ है। 6 कप पहले डाला था, 3 कप अब डाला है मैंने। पानी को अच्छी तरह से फिर से मिक्स करिए, और इस तरीके से आप करते हो तो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। गैस जो है मीडियम पे रखिएगा। मिक्स करते हुए आप जो है इसे 10-12 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा जो है कलछी को ऊपर करते हुए पकाइए, जैसे मैं कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा आप, इस तरीके से आप जो है जब बनाओगे ना तो आपका जो है चावल के आटे का पापड़ बिल्कुल भी फटता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो लगभग 12 मिनट का टाइम हो रहा है मुझे और इतना गाढ़ा ये हो चुका है। अब आप किनारे किनारे पे देख पा रहे हैं कि ये पपड़ी जो है ना पड़ चुकी है, काफ़ी ड्राई हो गई है। ये आपको संकेत देता है कि आपका पापड़ जो है फटेगा नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से जब आपके बर्तन के ऊपर पपड़ी पड़ जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। तो नमक हमें पापड़ में कम यूज़ करना है, क्योंकि पापड़ जब सूख जाता है ना तो कम हो जाता है क्वांटिटी में। इसलिए नमक डालने के बाद मिक्स कर दीजिए और गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब आप इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं ना तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है ना। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं, जैसे कि मैंने 1 चम्मच यहाँ पर लिया हुआ है कूटी लाल मिर्च, साथ में 1 चम्मच यहाँ पर करायल ऐड करेंगे, या आप कलौंजी कह सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके यूज़ किया है मैंने। ये सभी चीज़ों को अब हम लोग करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर जीरा वगैरह का भी यूज़ आप कर सकते हो, जो आप पसंद करते हैं। बढ़िया से मिक्स करने के बाद चलिए आप पापड़ बनाने का एकदम सिंपल तरीका बताती हूँ आपको। आप जो है ना मिश्रण एक छोटे बर्तन में ले लीजिए और एक छोटा सा चम्मच लीजिए, डेली यूज़ वाला 2 चम्मच डालिए और इसे फैला दीजिए। साइज बड़ा छोटा आप जितना बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से बना लीजिए। और इस पापड़ को जो है ना आप मोटा पतला जिस हिसाब से रखना चाहते हैं वैसे भी रख सकते हैं। तो ये पापड़ सूखने के बाद काफ़ी पतला हो जाएगा, और पतले पापड़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एकदम मुंह में घुल जाते हैं। तो इसी तरीके से सारा पापड़ आपको बना करके तैयार कर लेना होगा। और इस पापड़ को आप धूप में भी सुखा सकते हैं और फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो ये मैंने सारा पापड़ बना लिया है। 1 कप जो चावल का आटा था उसमें 100 से ज़्यादा पापड़ ये मेरे बन करके तैयार हैं। मैं इसे धूप में रखने वाली हूँ सूखने के लिए, ताकि जल्दी सूख जाए। दूसरे दिन आप देख पा रहे हो कि ये पापड़ मेरा सूख करके तैयार हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा पतला है ना, और काफ़ी जो है टूटा भी नहीं है बिल्कुल भी, और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। तो चलिए इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्राई करने के लिए आप देख पा रहे हो कि ऑयल गर्म हो जाए, डाल दीजिए और उसके बाद आप फटाफट इसे बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है ना ये, ऐसे ही ये पापड़ रहेगा अगर आप पूरा स्टेप जो है ना फॉलो करके और बनाओगे तो आप बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे।